हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आर सी आई एजू हब ऑनलाइन क्लासेज। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कपास का मलानी रोग, कॉटन विल्ट। अब इसमें देखेंगे, सबसे पहले इसका उपनाम, इसको दूसरे भी नामों से जाना जाता है। ये पहला जो नाम है वो डायरेक्टली हम पढ़ ही रहे हैं, कपास का मलानी रोग। इसको अन्य जो नाम है वो मुरझान, मुरझा जाता है पौधा इस वजह से, मुरझान। और दूसरा है उकटा, उकटा का मतलब होता है जैसे छाल को अगर अपन हटा के देखें उसमें काली धारियां मिलती है ना, काली धारियां जो दिखाई देती है वो इस वजह से उकटा बोलते हैं। डायरेक्टली हमें यही याद रखना है, मुरझान और उकटा। कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में प्रकोप होता है? तो काली मिट्टी जो होती है ना, काली मिट्टी में इसका प्रकोप सर्वाधिक होता है। विशेषतः अपन अगर देखें तो कपास की जो फसल होती है वो भी काली मिट्टी में ही ज्यादा बोई जाती है, इस वजह से इसका प्रकोप भी किस में ज्यादा होता है? काली मिट्टी में। लक्षण कैसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं जब रोग होता है? पौधा जो होता है, पौधा हरे का हरा ही मुरझा जाता है। मेन जो इसका लक्षण है, मुख्य लक्षण जो है वो ये रहता है कि जैसे फसल खेत के अंदर है, पौधे जो होते हैं खेत में, उनमें से बीच बीच में जगह जगह पर कुछ पौधे जो होते हैं वो सीधे ही मुरझा जाते हैं, हरे के हरे ही। ऐसे नहीं है कि पहले पत्तियां जो होती हैं वो मुरझाती हैं या फिर ख़राब हो जाती हैं, डायरेक्ट पूरा पौधा जो होता है वो ही मुरझा जाता है। और ये इसके प्रारंभिक लक्षण हैं। पहला जो लक्षण है डायरेक्टली हम कह सकते हैं, या पूछा भी जा सकता है कि कपास का मलानी जो रोग है इसके प्राथमिक लक्षण लिखिए। तो इसका प्रारंभिक जो लक्षण है वो खेत के अंदर जगह जगह पर पौधे जो हैं वो हरे के हरे ही मुरझा जाते हैं। पत्तियां जो है वो मुरझाती है, मुरझाने के बाद में पीली होती है, पीली पड़ने के बाद में धीरे धीरे सूखने लग जाती हैं, धीरे धीरे सूख जाती है। अब जैसे ही पत्तियां जो है वो पीली पड़कर सूख जाती हैं तो उसके बाद में पादप जो है वो भी सूख कर नष्ट हो जाता है। कुछ ही दिन के अंदर पादप पूरा नष्ट हो जाता है। आपने देखा भी होगा खेत के अंदर कि खेत में पादप जो है उनमें से बीच बीच में कुछ पादप जो है वो सीधे ही नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, जड़ों के अंदर जो जाइलम वाहिकाएं होती हैं, हमने संवहन ऊतक पढ़े होंगे बोटनी के अंदर, संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोयम। जाइलम जो होता है वो भूमि से जल को अवशोषित करके जल जो है उसको पहुंचाने का कार्य करता है पादप के अन्य भागों तक। फ्लोयम जो होता है वो खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। तो जाइलम का मुख्य जो कार्य होता है पादपों में वो जल का परिवहन करना। अब जाइलम वाहिकाएं जो हैं, नलिकाएं जो होती हैं, यदि वो अवरुद्ध हो जाएं, वो रुद जाएं, अवरुद्ध हो जाएं या बंद हो जाएं या नष्ट हो जाएं तो पौधे के अंदर जल जो है उसका परिवहन नहीं होगा। वो सामान्यतः से है बात है कि अगर पौधे के अंदर जल का परिवहन नहीं हुआ तो पौधा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। तो मुरझाने का कारण हमें पता चल गया है यहाँ पे कि जड़ों में जाइलम वाहिकाएं जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। होती क्यों है उसका भी कारण ये रहता है, मेलानिन जो वर्णक होता है, मेलानिन एक वर्णक पाया जाता है, वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। उसके इकट्ठे होने से ये वाहिकाएं जो होती हैं ये अवरुद्ध हो जाती हैं, साथ ही जड़ों के अंदर धारियां बन जाती है। जब हम छाल हटाकर देखते हैं पादप की, जड़ जो होती है उनकी छाल जब आप हटाएंगे, पौधे का ऊपर वाला जो पार्ट है स्टेम, उसकी छाल जब हटाएंगे तो हमें भूरी या काले रंग की धारियां दिखाई देती हैं। काले रंग की या भूरे रंग की जो धारियां दिखाई देती हैं वो किसके कारण होती हैं? जड़ों में मेलानिन जो वर्णक होता है उसके कारण। और ये जो धारियां हमें दिखाई देती हैं इसकी वजह से हमें पुष्टि हो जाती है या हम कन्फर्म हो जाते हैं कि पौधे के अंदर कौन सा रोग है, कपास का मलानी रोग। यहां तक का आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, कपास का मलानी रोग उपनाम क्या है, मुरझान और उकटा। कौन सी भूमि में सर्वाधिक ये पाया जाता है या प्रकोप होता है इसका, काली मिट्टी में ज्यादा प्रकोप, क्योंकि काली मिट्टी में कपास ज्यादा बोई जाती है। लक्षण जो है, पौधा जो है हरे का हरा ही सूख जाता है,
मुरझा जाता है, मुरझाने के बाद पत्तियां पीली पड़ती है और नष्ट हो जाती है, पूरा पादप जो है वो भी मुरझाकर नष्ट हो जाता है, सूख जाता है पूरा पादप। यदि आप पौधे को खींचेंगे तो आसानी से पौधा जो है वो निकल जाता है या उखड़ जाता है, क्योंकि जड़ें जो है वो उसकी बिल्कुल नष्ट हो जाती है। छाल हटाने पर जब हम पौधा जो है उसकी छाल हटाकर देखते हैं तो अंदर काले रंग की धारियां बनी हुई दिखाई देती हैं, और इस लक्षण से हमें यह पुष्टि हो जाती है कि पौधे के अंदर कौन सा रोग हो चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि उकटा जो रोग है, मलानी जो रोग है, उससे प्राथमिक लक्षण कौन से हैं, पौधे का हरे का हरा मुरझाना। पुष्टि, रोग की पुष्टि कब होती है, जब पौधे की छाल हटाकर हम देखते हैं तो उसके अंदर काले रंग की या भूरे रंग की धारियां दिखाई देती हैं। चले आगे, रोगजनक। रोगजनक जो है इसमें फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ये कवक फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है, और इसकी प्रजाति जो है वो है वास इनफेक्ट्रम, वास इनफेक्ट्रम इसकी प्रजाति है। ये कवक जो है ये मृदा जनित होता है, यानी कि मृदा में उत्तर जीवित रहता है, मृदोड़ प्रकार का होता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जो है इसके जीवन चक्र के अंदर जो अवस्थाएं होती हैं, लैंगिक जो अवस्थाएं होती हैं, वो इसमें कोनिडिया और क्लेमाइडो बीजाणु होती है। लैंगिक जो अवस्थाएं होती हैं जिनमें जनन होता है वो कोनिडिया और क्लेमाइडो बीजाणु पूछा जा सकता है। मृदा में अंकुरण करके जड़ों में ये संक्रमण फैलाते हैं। प्रबंधन, सस्य प्रबंधन, स्वस्थ बीजों का उपयोग करें, अपरपोषी फसलों के साथ फसल चक्र अपनाना चाहिए। अपरपोषी फसलों का मतलब यहाँ ऐसे है कि कपास के अंदर ये लगता है तो अगली बार ऐसी फसल बोएं जिसके ऊपर इसका प्रकोप नहीं हो। अवशेष जो होते हैं पौधे के उनको जला देना चाहिए, पौधे जिनके अंदर रोग ग्रस्त होते हैं उनको जलाना चाहिए, गहरी जुताई करनी चाहिए। रासायनिक कार्बेंडाजीम से बीजोपचार करना चाहिए, बीज जो होते हैं जिनको बुआई करने से पहले उसके अंदर कार्बेंडाजीम 0.1% मिलाना चाहिए, और पौधे के ऊपर बाद में पौधा जब बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर कार्बेंडाजीम जो होता है उसका छिड़काव करना चाहिए। जैविक प्रबंधन, रोगरोधी किस्मों का उपयोग करें, जैसे जयाधर, सरीला, मोती, LD 694, विजय, वेरूण आदि इसकी जैविक प्रबंधन में रोगरोधी किस्में हैं जिसका उपयोग करके हम इस रोग से फसल को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कपास का मलानी जो रोग है वो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।